अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी अंसार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर बैंकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये नेशनल सेविंग सेंटर के कस्टमर से रिलेटेड है। एक नई अपडेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है। आप सब जानते हैं कि नेशनल सेविंग सेंटर में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। अब क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है फैटिफ की तरफ से, खास तौर पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है और ख़दशा है कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, और उसमें काफ़ी कंसर्न्स हैं फैटिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है वो बैंकिंग चैनल से कम हुकूमत को रोकनी चाहिए। तो अगर हम नेशनल सेविंग सेंटर की बात करें तो तकरीबन जितने भी बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं लोगों के, 30% नेशनल सेविंग सेंटर में पैसा पड़ा हुआ है जो कि 4 ट्रिलियन के करीब है। 4000 अरब रुपया लोगों का नेशनल सेविंग सेंटर की सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जबकि बायो वेरिफिकेशन भी नहीं हुई, इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इनकी ड्यू डिलीजेंस कराई जाएगी कस्टमर्स की, यानी उनका KYC, नो योर कस्टमर्स, एक फॉर्मेट होता है, क्वेश्चनेयर होता है, वो कस्टमर से फिल आउट कराया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग है और जो नए आने वाले इन्वेस्टर हैं उन तमाम से KYC रिक्वायर होगा। बाकी जो बैंक्स हैं, कन्वेंशनल बैंक्स हैं या इस्लामिक बैंक्स हैं, उनमें ये जो रूटीन है वो पहले से जारी है। KYC उनसे लिया जाता है, उनसे डिस्कशन होती है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका, और इसको KYC कहा जाता है ताकि बैंक को या गवर्नमेंट को पता चले कि जो पैसा कस्टमर ला रहा है, इन्वेस्टर ला रहा है, अकाउंट में डाल रहा है, वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। तो अब जो नई तरतीब होगी गवर्नमेंट की तरफ से, हर जो नेशनल सेविंग सेंटर का एग्जिस्टिंग या न्यू कस्टमर होगा उसको KYC प्रोवाइड करना होगा, जिसमें कुछ डिटेल्स उसकी इनकम के हवाले से, नेटवर्थ के हवाले से देना पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो डिटेल होंगी जो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करनी होगी। इन्वेस्टर को NTN, सोर्स ऑफ इनकम, और जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बतानी पड़ेगी। इसके अलावा जो उसकी नेटवर्थ है या उसकी जो इनकम है मंथली या सालाना वो कितनी होती है, ये चंद चीज़ें हैं जो KYC में इन्वेस्टर को बतानी पड़ेंगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल नेशनल सेविंग सेंटर के इन्वेस्टर्स के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।